रात होते ही आपकी थकावट बढ़ जाती है, आपके अंदर ताकत की कमी हो जाती है, आपको नींद आना शुरू हो जाती है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? Oh, the headlines this week were biological clock for men to keep us wedged into a particular biological clocks that control how humans, animals, and plants behave throughout the day and night. हमारे जिस्म के अंदर घड़ियां मौजूद होती हैं जिनको बायोलॉजिकल क्लॉक्स कहा जाता है, और ये घड़ियां जिस्म के हर हिस्से में मौजूद होती हैं। ये घड़ियां हमें बताती हैं कि इस टाइम दिन का कौन सा पहर चल रहा है, शाम है, दिन है, सुबह है या रात है। और ये घड़ियां हर जगह पे मौजूद होती हैं, हमारे हर खुलिये में, हर टिश्यूज के अंदर मौजूद होती हैं। और इन सब घड़ियों को एक मास्टरपीस कंट्रोल करता है जिसको सुप्रा कियाज्मेटिक न्यूक्लियस कहते हैं। ये आपके दिमाग के अंदर मौजूद होता है और इसका कनेक्शन बाहर की दुनिया से भी होता है। हमारी आंखों के साथ ऑप्टिक नर्व के थ्रू इसका एक कनेक्शन होता है जिससे इसको बाहर से भी आउटपुट मिलती रहती है कि बाहर रोशनी है या अंधेरा है। सुबह के वक्त यही घड़ी जो आपके दिमाग में मौजूद होती है जिसको सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस कहते हैं, ये आपके जिस्म में कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसे हार्मोन्स पैदा करवाती है जो आपको ज्यादा अलर्ट कर देते हैं। आपके जिस्म में एड्रीनालिन पैदा करवाती है, आपके जिस्म में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पैदा करवाती है, आपके जिस्म में टेस्टोस्टेरोन पैदा होता है, ग्रोथ हार्मोन पैदा होता है, और इन सब हार्मोन्स की वजह से आप ज्यादा अलर्ट और एनर्जेटिक हो जाते हैं। और फिर जूं ही शाम का वक्त आता है, अंधेरा होना शुरू होता है, तो यही सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस, यही घड़ी आपके जिस्म में उन केमिकल्स को कम कर देती है और वो केमिकल्स, वो हार्मोन्स आपके जिस्म से रिलीज करवाती है जो आपको नींद दिलाते हैं, जैसे मेलाटोनिन। इसी वजह से चाहे हम अंधेरे में भी हों फिर भी हमें अंदाजा हो जाता है कि ये दिन का कौन सा टाइम चल रहा है, सुबह का वक्त है या रात का वक्त है। लेकिन ये घड़ियां परफेक्ट नहीं है, इनके अंदर भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और वो प्रॉब्लम्स आती हैं जब हमारा बाहर का एनवायरनमेंट तब्दील होता है। अगर आपको अंधेरे वाले कमरे में बंद कर दिया जाए और आपका रोशनी से बिल्कुल भी सामना ना हो, तो फिर ये क्लॉक, ये बायोलॉजिकल क्लॉक थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि बाहर से जो मैसेज मिल रहा है उसमें सूरज की रोशनी नहीं है, लेकिन अंदर क्लॉक को समझ आ रही है कि ये अभी दिन का टाइम है या रात का टाइम है। इस कंफ्यूजन की वजह से आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक थोड़ी सी बिगड़ सकती है, जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स जो दिन के वक्त पैदा होते हैं वो कम या ज्यादा हो सकते हैं। पिछले दिनों मिस्टर बीस्ट ने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो में उसने दो लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया 100 दिन के लिए। वहां पे कंटिन्यूअस लाइट थी, वहां पे ना दिन का पता चलता था ना रात का पता चलता था, लेकिन फिर भी शुरू में वो आइडिया लगा सकते थे, उनको आइडिया हो रहा था कि अभी दिन का टाइम होगा या रात का टाइम होगा। लेकिन क्योंकि उस कमरे में हमेशा रोशनी रहती थी, उसकी वजह से उनके अंदर कुछ हार्मोनल तब्दीलियां आ रही थी जो उनके बिहेवियर से नजर आ रहा था। अब इन घड़ियों का, इस बायोलॉजिकल क्लॉक का हमारे जिस्म को क्या फायदा है? तो देखें, जब रात होती है तो आपके जिस्म में ये घड़ियां ऐसे केमिकल्स पैदा करवाती हैं जिनसे आपके जिस्म का टेम्परेचर कम हो जाता है, आपका हार्ट रेट, दिल की धड़कन स्लो हो जाती है, आपके बाकी बॉडी ऑर्गन स्लो डाउन हो जाते हैं, और ये इसलिए होते हैं ताकि आप रेस्ट करें और आपका जिस्म अगले दिन के लिए दोबारा से तैयार हो। हम हॉस्पिटल में अक्सर मरीजों की ओवरनाइट ईसीजी करते हैं, मतलब रात को सोते वक्त उनकी ईसीजी देखी जाती है कि रात के वक्त उनके हार्ट रेट के साथ क्या चल रहा है। और जितने भी मरीज होते हैं उनका रात के वक्त हार्ट रेट कम हो जाता है, क्योंकि एक नेचुरल कुदरती रिस्पॉन्स है आपके जिस्म का इन बायोलॉजिकल क्लॉक्स का। सुबह के वक्त एक्टिव और अलर्ट हो जाना, एनर्जेटिक हो जाना, और शाम के वक्त सुस्त हो जाना और कमजोर पड़ जाना, ये आपके बायोलॉजिकल क्लॉक्स की वजह से होता है, और इस रिदम को सिर्केडियन रिदम कहते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंसानों के अंदर मौजूद होता है, ये जानवरों में भी मौजूद होता है, बल्कि जितने भी जिंदा जानदार हैं हर खुलिये के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक मौजूद होती है। ये बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब भी हो सकती है। सुबह के वक्त जब रोशनी चाहिए होती है, अगर उस टाइम पे अंधेरा हो, या रात के वक्त जब अंधेरा चाहिए होता है उस वक्त रोशनी हो, तो उसकी वजह से बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ता है। और ये काम हमारे मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ने किया है। अगर हम रात के वक्त मोबाइल फोन और टीवी स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे अंदर डिस्टर्ब हो जाती है। इसको समझ नहीं आती कि ये रात का वक्त है या दिन का वक्त है, क्योंकि रोशनी तो दिन के वक्त होती है, लेकिन मोबाइल स्क्रीन और बाकी लाइट्स की वजह से आपके जिस्म को, इन बायोलॉजिकल क्लॉक्स को लग रहा होता है कि अभी भी रोशनी है, और इस फर्क की वजह से आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है, और फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से आपको नींद ठीक तरह से नहीं आती। इसके अलावा जो लोग नाइट शिफ्ट पे काम करते हैं उनका सर्कैडियन रिदम भी डिस्टर्ब हो जाता है। मुसलसल नाइट शिफ्ट करना आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होता है, इसीलिए आपको नाइट शिफ्ट के बाद ज्यादा टाइम ऑफ दिया जाता है ताकि आप प्रॉपर रेस्ट कर सकें। इसके अलावा जो लोग लंबा सफर करते हैं
उनमें भी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो सकती है। जैसे एक मुल्क में दिन का टाइम है तो दूसरे मुल्क में अगर रात का वक्त है, आप उस मुल्क में जाओगे तो उसकी वजह से आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को लगेगा कि इस वक्त तो दिन का टाइम होना चाहिए लेकिन वहां पे रात का टाइम होता है। इसी को जेट लैग कहते हैं। अब आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को ठीक रखने के लिए क्या कर सकते हैं? तो रात के वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम से कम करना आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर रात के वक्त कोई लाइट आपके पास मौजूद नहीं होनी चाहिए। जब आप सो जाएं तो अंधेरा होना चाहिए, क्योंकि रोशनी होगी तो उसकी वजह से आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होगी और आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। आपके सोने का एक सेट पैटर्न होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने इस टाइम पे सोना है और सुबह इस वक्त उठना है। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक खुश रहेगी, और जब वो बायोलॉजिकल क्लॉक खुश रहेगी तो आपका जिस्म भी खुश रहेगा।